इस साल कद्दूओं का सीजन अच्छा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? आखिर तुम इतने सारे कद्दूओं का करोगी क्या? कोई आइडिया है? मुझे क्या पता, पर मैं मेरे फॉलोवर से पूछ सकती हूँ। कोई आइडिया है पिप तुम्हारे खुद का? क्या इसका क्या मतलब हुआ? तुम हमेशा अपने फॉलोवर्स से मदद मांगती हो, शायद तुम्हें खुद पे विश्वास रखना चाहिए। कभी अपने दिमाग का भी तो इस्तेमाल करो। ऐसा क्या? मैं अभी कुछ ना कुछ सोचती हूँ, अभी इसी वक्त। देखो आइडिया आ रहा है। हाँ, ये रहा, देखो। और आइडिया है स्पार्की, सभी पोनीज को कद्दू गाड़ी पसंद आएगी। लेकिन यहाँ के कानून की दफा 927 साफ साफ कहती है कि सब्जियों से कोई भी गाड़ी नहीं बनाई जा सकती। क्या कानून मैं नहीं बनाता? ये कद्दू तो बड़े कमाल के लग रहे हैं। शुक्र है, स्पार्की के जादू से ये गाड़ी फिर से कद्दू बन सकता है। बिल्कुल, इन कद्दूओं के बड़े बड़े केक्स बनाते हैं और केक खाने का कॉन्टेस्ट रखते हैं। ओह, केक खाने में बड़ा ही मजा आएगा। क्यों सही कहा ना, सुनने में ही ये अच्छा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ सब कुछ कद्दू जैसा क्यों लग रहा है? हेलो, कोई है? हेलो, मेरे पिप बिस्किट्स। तुम हमेशा अपने फॉलोवर्स से मदद मांगती हो। नहीं रुको, ये मैं खुद कर सकती हूँ। सब गलत थी, मैं हमेशा अपने फॉलोवर्स की मदद तो नहीं लेती हूँ, मैं खुद ये सब संभाल। ये आखिरी बचा कद्दू है। चलो आप तैयार हो जाओ, हम मिलके कुछ केक्स बनाते हैं। ये मैं टाइम बे के पहले सालाना केक खाने के कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड है। अब बस दो पोनीज ही बची हैं। केक लाए जाए। ताजा ताजा बने आखिरी दो केक्स हाजिर हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं केक खाने के कंपटीशन में जाऊंगी, और वो भी केक बनकर तो कभी नहीं। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। अरे नहीं, ये तो एक क्रस्ट है। जो भी पहले केक खत्म करके जीतेगा। रेडी सेट। टेस्टी दिख रहा है। जस्ट नहीं, रुक जाओ, मुझे मत खाना। क्या ये सब क्या चल रहा है? क्या ये केक तो जिंदा है, ये एक ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी केक? ओल्डी, क्या ये तुम हो? हाँ, ज़ॉम्बी केक! भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। हेच, तुम ऐसे ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे। अरे हाँ, सही कहा, सब अपनी जान बचाओ, ज़ॉम्बी केक! नहीं, रुको! ये केक मेरा नाम भी जानता है। मैंने वो पंजे पहले भी देखे हैं। पिप, क्या वो तुम हो? क्या एंट्री मारी है? क्या तुम उस केक के अंदर फंसी हुई थी? किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? वो मैं नहीं जानती, शायद इसलिए क्योंकि किसी को लगता है मैं हमेशा दूसरों से मदद मांगती हूँ। अरे नहीं पिप, सॉरी मैंने तुम्हें वैसा महसूस करवाया, मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, देखा, मैं इससे खुद ही बाहर आ गई, और वो भी बिना किसी के मदद के। हाँ, बिल्कुल सही कहा, किसी भी पोनी के दिमाग में कभी भी ऐसा आइडिया नहीं आता। हाँ, मेरे दिमाग में हमेशा बड़े आइडियाज ही आते हैं। और हो गया। मैं रूफस को मैं टाइम बे के पहले और आखिरी के खाने के कॉन्टेस्ट का विजेता घोषित करती हूँ। हाँ, ये तो गलत है, मेरा केक तो भाग गया।